सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझें, पर यह कोशिश कोई नहीं करता कि वह खुद दूसरों की भावनाओं को समझें। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। आज का पंचांग 27 सितंबर 2020, दिन रविवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम 7:46 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 8:50 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:45 से 6:14 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 27 सितंबर 2020, देर रविवार, कोई नुकसान या वियोग आपकी परेशानी की वजह है। जो आप महसूस कर रहे हैं उसे करने के लिए समय निकालें, आराम करें और चीजों के बारे में सोचें। एकांत के लिए अच्छा समय है जिसे आप उन प्रियजनों के साथ बिताएं जो समझते हैं कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं। अपने रोजाना जीवन से कुछ समय निकालें और नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करें, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। प्रियजनों के साथ इस आनंद को और अधिक बढ़ा देगा। खुद पर विश्वास रखें और इस समय का मजा लें। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उस काम की शुरुआत नहीं करते। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको अपने कार्यों में सफलता देगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने से आपको लाभदायक अनुबंध भी प्राप्त होंगी। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई व करियर के प्रति गंभीरता से प्रयासरत रहेंगे। आसपास घटी हुई छोटी छोटी घटनाओं का भी आज असर आपके मन पर दिखेगा। आप मन से काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी घटनाओं का या किसी के भी आपके प्रति व्यवहार का अर्थ अपने मन से ना निकालें। आज आपका परिवार के प्रति रोष बना रहेगा। माता के प्रति संबंध सुधारने में आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। सावधानियां, कोर्ट के संबंधी अगर कोई मामला चल रहा है तो उस पर बहुत अधिक सावधानी से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हर तरफ से खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी समझदारी से परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। लव लाइफ की बात करते हैं, प्यार में धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की खाई की तरफ ढकेल सकता है, लेकिन याद रखें कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। रोमांस की सपनों को पूरा करने के लिए भी यह चरण अच्छा है, बस अपने साथी को अपने परिवार का एहसास कराना ना भूलें। आप आज अचानक किसी खास के लिए प्यार महसूस करेंगे। आप दोनों आज कुछ वक्त साथ बिताएंगे और इस साथ काम मचा लेंगे। आप अपने साथी से आज किसी अप्रत्याशित जगह मिल सकते हैं। अपने साथी के साथ सब कुछ शेयर करें, यहाँ तक कि सेक्स से संबंधित बातें भी। प्यार के साथ साथ आप दोनों का विश्वास भी बढ़ेगा। करियर की बात करते हैं, किसी विदेशी के साथ दीर्घकालीन निवेश या खरीद से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे आपके काम या उत्पाद को दुनिया भर में पहचान मिली। अब समय है अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लेने का। नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा का
या पार्टी करना आपके लिए आपके मूड और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपने परिवार के सदस्य आपको और भी प्रफुल्लित करेंगे। आज अपने गुणों के कारण आप सबके आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। जीवन में गलतियां ना ढूंढे बल्कि उनके उपाय ढूंढे। सेहत की बात करते हैं, आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, इसीलिए आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। आज मानसिक परेशानी भी कम होगी तो आप अपने दोस्तों और घर वालों के साथ मजा कर सकते हैं। क्यों ना आप अपनी खुशी को सबके साथ बांटें और इस दिन को यादगार बनाएं। आज का उपाय, आज आप गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।